हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे सीके स्माइल कहानियाँ चैनल में स्वागत है। और आज की कहानी है जादू की छड़ी। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक रात की बात है, सालू अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, अचानक आकाश में बिजली चमकी। सालू घबराकर उठ गई। उसे खिड़की के पास एक परी दिखाई दी। परी सालू के पास आई और उसे एक छड़ी देकर बोली, सालू ये जादू की छड़ी है, तुम इसे जिस भी चीज़ की तरफ मोड़कर दो बार घुमाओगी वह चीज़ गायब हो जाएगी। छड़ी पाकर सालू बहुत खुश हुई। अगले दिन सालू वह छड़ी अपने स्कूल ले गई। वहाँ उसने शैतानी शुरू कर दी, किसी की किताब तो किसी की रबड़ पेंसिल गायब कर दी। परंतु किसी को भी पता न चला कि यह सालू की छड़ी की करामात है। उसे इस खेल में बड़ा मज़ा आ रहा था। घर पहुंचकर सालू ने रसोई के बाहर एक कुर्सी रखी देखी। जैसे ही उसने कुर्सी को गायब करने के लिए छड़ी घुमाई, तभी अचानक उसकी माँ रसोई से बाहर निकलकर कुर्सी के सामने से गुजरी और कुर्सी की जगह सालू की माँ गायब हो गई। यह देखकर सालू बहुत घबरा गई और रोने लगी। तभी उसके सामने परी प्रकट हुई। परी ने सालू से कहा, मैं तुम्हारी माँ को वापस ला सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं तुमसे ये जादुई छड़ी वापस ले लूँगी। सालू बोली, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरी माँ वापस ला दो। अब परी ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते सालू की माँ वापस आ गई। सालू अपनी माँ को वापस पाकर बहुत खुश हुई और कभी भी किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करने का प्रण लिया। तो ये थी मेरी आज की कहानी जादू की छड़ी। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और यदि आप सभी को मेरी द्वारा लिखी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को ज़रूर दबा दें, क्योंकि उसी से मिलेगी आप सभी को मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। तो मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।